आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज ईएलआर। दोस्तों आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एंड दोस्तों अगर आपने आईटी डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से कर रखा है तो ये चैनल काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए। दोस्तों ईएलआर से रिलेटेड कई बार आपसे इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाता है और आप बता नहीं पाते, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सी एक डिवाइस है। अब दोस्तों इसका कनेक्शन कैसे करते हैं, करंट रेटिंग कैसे सेट करते हैं, ये सारे पॉइंट के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, तो दोस्तों एंड तक बने रहें, क्योंकि जब भी आप कोई इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जाएंगे या इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहां पे इससे रिलेटेड आपको काम करना ही पड़ेगा, इसका कनेक्शन करना पड़ेगा, इसका कनेक्ट इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, कितने नंबर पे कनेक्ट करते हैं, तो ये सारी डिटेल आपको पहले से पता रहेगी, तो कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है जैसे कि मेरे को मिली है। तो दोस्तों सिंपल सी ये डिवाइस है, उसको कैसे करते हैं मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि हमारे जो थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पे ये किस टाइप की डिवाइस लगी। एज इट इज़ सेम टू सेम यही वाली डिवाइस जो कि मैंने आपको गूगल से दिखाया है तो वैसी लगी है। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये अभी अभी इसका हमने क्या किया है, इसको लगाया है, इस्टेब्लिश किया है। तो दोस्तों अब मैं आपको सिंपल से आपको बताता हूँ इसका कनेक्शन कैसे करना है। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं ये जो ईएलआर है, ईएलआर की फुल फॉर्म क्या होती है। दोस्तों अर्थ लीकेज रिले इसकी फुल फॉर्म होती है। और ईएलआर का कनेक्शन अब कैसे करेंगे और करंट कैसे सेट करेंगे, दोस्तों ये जो ईएलआर है इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। जैसा कि दोस्तों मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूं, जो हमारा ये हमने रिले मतलब लगाई है, इस्टेब्लिश किया है, तो हमारी जो एलटी पैनल है यानी एलटी में हमने इसको इस्टेब्लिश किया है, एसीबी में यानी एयर सर्किट ब्रेकर में हमने इसको इस्टेब्लिश किया है। अब जो एयर सर्किट ब्रेकर है इसमें क्या है, तीन हमारे जो फेज आ रहे हैं उसके साथ हमारा क्या है, न्यूट्रल आ रहा है। न्यूट्रल को मैं रेड से डिनोट कर देता हूं दोस्तों, ये हमारा न्यूट्रल है सपोज दैट, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यूट्रल, और ये हमारे तीनों फेज हैं। अब हमने क्या किया है, इस न्यूट्रल के साथ एक हमने क्या करा है, सीबीसीटी लगाया है। सीबीसीटी की फुल फॉर्म दोस्तों होती है हमारी कोर बैलेंस करंट ट्रांसफार्मर होती है सीबीसीटी। अब इसके बाद जो ये सीबीसीटी हमने लगाया, इसकी दो वायर है दोस्तों। अब दो वायर जो है हमारी किस में आएगी, तो एक तो हमारी S1 में आ जाएगी और दूसरी वायर जो है दोस्तों हमारी S2 में आ जाएगी। तो ये हमारी सीबीसीटी से हमने किससे निकाला है, ये हमारी जो बस बार है न्यूट्रल की, इससे हमने निकाला है। तो सीबीसीटी लगाना पड़ता है इसको अगर हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। इसके बाद S1 और S2 में हमारा कनेक्शन हो गया सीबीसीटी का। अब दोस्तों बात करें कि ये जो न्यूट्रल है और ये लाइन है, तो इसमें क्या करते हैं, हम न्यूट्रल और लाइन को कहीं से ऐड करते हैं, यानी हमें एक सिंगल फेज सप्लाई लेनी है 230 वोल्ट, यानी जो हमारी ये ईएलआर है वो 230 वोल्ट पर ऑपरेट होती है। तो इसको कहीं से भी आप 230 वोल्टेज को चाहिए तो कहीं से भी दे सकते हैं। तो आपको न्यूट्रल और एक हमें फेज देना पड़ेगा जो कि 230 वोल्टेज सप्लाई प्रोड्यूस कर रहा है। तो दोस्तों ये हो गया आपका कनेक्शन के बारे में, ऊपर आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा आपका ये फिर हमारा रेडी हो जाएगा ईएलआर। अब दोस्तों इसमें सेटिंग कैसे करते हैं, सेटिंग करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों कि ये जो दोनों बटने हैं इनको साथ में प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद इसको फिर इधर इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आते रहते हैं, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है RST यानी रीसेट, यानी यह तो सेट आएगा, ST लिखा होगा सेट। सेट का मतलब हो गया कि यहाँ पे करंट आपको सेट करना पड़ेगा। फिर आपको सिंपल सा इसमें एक बार क्या करना है, प्रेस करना है, ये दोनों को वापस से प्रेस करना पड़ेगा। प्रेस करने के बाद वहाँ पे जो ये मिली एम्पियर में आपको करंट दिख रहा है, ये बढ़ा भी सकते हो इससे और इससे घटा भी सकते हो, या इससे बढ़ा सकते हो या इससे घटा सकते हो, आप वहाँ पे देख सकते हैं एक बार चलाने के बाद। अब आपको जिस हिसाब से आपको करंट वैल्यू सेट करनी है कि इस करंट के बाद हमारा जो यानी इतने करंट पर हमारा जो ऑपरेट हो रहा है तो वो होएगा, बट ये क्या है, अगर इस करंट रेटिंग से ज़्यादा हो रहा है तो ये हमारी जो ये ईएलआर है वो क्या करे, ट्रिप हो जाए। अब ट्रिप कैसे होगी, ये ईएलआर बेसिकली काम कैसे करती है, तो दोस्तों इसका जैसे कि हमारा जो एसीबी हो गया या एमसीबी हो गया या एमसीसीबी हो गया, तो ये सारे क्या है, हमारी क्या है, एक प्रकार से प्रोटेक्शन डिवाइस ही है। तो ये जब भी हमारी ईएलआर ऑपरेट होगी तो इनके एसीबी जैसे एयर सर्किट ब्रेकर है, इसको क्या करती है, एक सिग्नल भेजती है ट्रिप कराने का। तो ये क्या करते हैं, फिर हमारा ट्रिप हो जाता है अगर हमारे 30 मिली एम्पियर से अधिक करंट यानी ज़्यादा एक्सीड करंट हो रहा है तो ये ट्रिप हो जाएगा। तो दोस्तों ये बेसिक छोटा सा टॉपिक था, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। एंड दोस्तों अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों अगर कोई भी डाउट हो रहा हुआ जो कि मैं इस वीडियो में नहीं बता पाया आपको, तो दोस्तों कमेंट पे आप मेरे से जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।